बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेलिंग के बारे में बताऊंगा कि मेलिंग में हम ये कैसे हम इसको करते हैं। इनवेलप में सेटिंग, इनवेलप की बेसिकली सेटिंग होती है, तो मैं इनवेलप पे क्लिक करूंगा, क्रिएट करूं। इस पे आपने क्रिएट करना है डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे आपने भिजवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भेजने वाले का एड्रेस और यहाँ पे रिटर्निंग एड्रेस। अगर यहाँ पे नहीं पहुँचा तो फिर आपका जहाँ से आप भेज रहे हैं तो वो आपका ये रिटर्निंग एड्रेस होगा। अब ये आप जैसे आप प्रिंटर में आपने इनवेलप डाला है, आपने ये कैसे डाला है, ये एक पूरा पेज है, ये इतना एरिया, ठीक है। अब आपने एक पेज पे प्रिंटर के कॉर्नर पे रखा है, मतलब कि उसके कॉर्नर पे रखा है, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे रखेंगे तो ऐसे आएगा इनवेलप, सीधा टेढ़ा, ये लेफ्ट राइट, फेस अप फेस डाउन, जो फेस डाउन है, जो जो ओपनिंग है उस पर क्या आए, ठीक है। ये कैसे, ये फेस अप उसकी बैक साइड है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रे, इस टाइम ये मेरे पास प्रिंटर ऐड नहीं है, यहाँ पे प्रे ट्रे सेलेक्टेड होती हैं, वो पे ट्रे जो है वो आपकी मेन पे एक होती है, जो फ्रंट पे होती है जिसके ऊपर आप पेज ओपनली रखते हैं, एक प्रेज ट्रे एक दूसरी होती है जो आपकी ट्रे बनी होती है जो आपके प्रिंटर के अंदर जाती है। तो इसके बाद है जी इनवेलप के साइजेस होते हैं, ठीक है। ये आपने साइजेस मैयर कर लेने अपने स्केल से, ठीक है। यहाँ पे स्केल्स वगैरह, यहाँ पे मैयर इनवेलप साइज़ ये जी इतना है जी, ये आप साइज़ रख लें, इसका साइज़ फ्रंट टॉप राइट लेफ्ट ये सब कुछ यहाँ से सेट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मैं डिलीवरी एड्रेस लिखता हूँ, ओके जी, ये मैंने डिलीवरी एड्रेस लिख दिया और ये मेरा रिटर्न एड्रेस है, ठीक है। मैं इसे जस्ट प्रिंट की कमांड दूंगा तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ई पोस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन और ये मैंने सेटिंग कर ली हुई है, ठीक है। ये मैंने प्रिंटर में ऐसे रखा और इसको मैंने ओके कर दिया। क्या मैं जब भी मैं प्रिंटर में ये इनवेलप एंटर करूँगा तो उसका जो बैक साइड होगी इनवेलप की वो ऐसे छिप जाएगी, ठीक है। रिटर्निंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस ये यहाँ पे अवेलेबल होगा। लेबल्स, इसके बाद लेबल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस टाइम ये देखें लेटर पोस्ट कार्ड, ये कैसे है आपको कैसे शो होगा, यूज़ रिटर्न एड्रेस डेफिनेटली, और मैं इसे प्रिंट की कमांड दूंगा, डू यू वांट टू, यस। मैं इसे जैसे ही कमांड दूंगा तो वो पहले तो वो सेव होगा, तो फिर वो हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा जो इनवेलप को क्रिएट करने का तरीका का, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, जैसा कि सेलेक्ट रिसीव न्यू लिस्ट, यहाँ पे ये देखें, ये आपकी एमएस एक्सेस की जो है ना डेटाबेस ओपन हो जाएगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग लिस्ट, आउटलुक कॉन्टैक्ट, अगर आपका आउटलुक का काम करते हैं, आउटलुक में आपके कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ से क्रिएट, सबसे पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा डेफिनेटली, फिर ही वो हमारा होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। यहाँ से आपने यहाँ पे मैं एक ये देखें, इस टाइम ये मेरी बनी तो हुई है लेकिन ये कोई और है, ये एसक्यूएल की क्यूरी बनी हुई है, एक्सेस की जो है वो सॉरी एक्सेस की नहीं बनी हुई। तो यहाँ से हमने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है यूज़र्स की, वो यहाँ पे यूज़र ऐड हो जाते हैं, उनके ईमेल, उनका फ़ोन नंबर वगैरह ऐड हो जाते हैं, और यहाँ से हम जिन जिन को हमने भेजना होता है यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद राइट एंड इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स, फिनिश, ये सारा कुछ हम ये करने के बाद हम ये एक्टिव होते हैं। रिव्यू के बाद आ जाता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, जैसा कि ये मैंने कंप्यूटर लिखा, ठीक है, उसने स्पेलिंग गलत कर दी, जैसा कि मैंने डिज़ाइन का आई गलत कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट में ई नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद ये मैंने ख़त्म किया, ये बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। आपने क्या करना है, रिव्यू में जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाना है, सबसे पहले बताएगा कि ये देखें आपने कंप्यूटर, ये देखें COMTER, ये ऊपर हाईलाइट हो गया, मैंने कहा ये इसे अगर इग्नोर करना तो इग्नोर करेंगे तो ये गलत रहेगा, अगर मैं चेंज का बटन प्रेस करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो गया, डिज़ाइन चेंज। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे और भी बहुत सारे उसने दे दिए इसके अल्टरनेटिव, के आप यहाँ पे अपने सेंटेंस के मुताबिक क्या लगाना चाहते हैं, नॉट लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, क्या लगा के, हालांकि सेंटेंस जो बन रहा है वो ही बताएगा, ठीक है। इसके बाद ये स्टॉप है, वो देखें ओ नहीं था तो वो उसने बता दिया, जैसे ही कंप्लीट होगा उसने कहा देन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीटेड। सो ये आगे इसकी डिक्शनरी है, वर्ड काउंट कितने हैं यहाँ से आपको बता देता है, 765 वर्ड्स एंड टोटल, यहाँ से भी आपको बता देता है, ठीक है, इतने पेजेस आपके हैं।
इतने पेजेस हैं, ये भी एक ही पेज है, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, कितनी पैराग्राफ हैं, कितनी लाइंस हैं, ये सारा कुछ आपको डिटेल दे देता है। इसके बाद ये देखिए, ये जैसे मैंने पावरफुल का लिखा तो पावरफुल के उसके जो है मीनिंग्स वगैरह आपको सामने शो हो जाएंगे। और मैं इसे क्लिक करूँगा, ये माइक पावरफुल इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको वो दे देगा। इसके बाद अजी आपकी ये जो लैंग्वेज एरिया है, ये सारा ट्रांसलेटेड एरिया, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ रीडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में आप लैंग्वेज ऐड करें, वो ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है। ऐड लैंग्वेज कर रहे हैं, इसके बाद मैं अरेबिक, बहरीन, ऐड, देन ओके, अभी प्लीज़ रिस्टार्ट ऑफिस, देन ओके। इसे मैं जैसे ही रिस्टार्ट करूँगा तो वो मेरी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। इसे मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट टू चाइनीज, देन ओके। ये देखें, उसका वेब ट्रांसलेटर में चला गया और ये आपको जो है ना, ये कन्वर्जन जहाँ से आपको जो है ना, ये इसी का वो कन्वर्ट कर देगा आपको। ये आगे से आगे चलती जाएंगी, आपको मैं एक तरीकाकार बताऊंगा, वहाँ से जल्दी हो जाता है, इससे भी जल्दी ज़्यादा हो जाता है। तो आपने यहाँ से ये जो टूल है, आप इसे बेहतर आप गूगल ट्रांसलेट ले सकते हैं, ये इसका काम यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है ट्रांसलेट कर देना, ठीक है। इसके बाद न्यू कमेंट्स, इधर आता हूँ और इधर आके मैं ऐड कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कमेंट लग जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कमेंट वहाँ पे हमने स्टार्ट में लगाया था, यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि इस पैराग्राफ में वीडियो प्रोवाइड्स वाट एवर, ठीक है, ATC, जो भी आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, ठीक है। इधर आते हैं, इधर आने के बाद मैंने इधर कमेंट लगा दिया, तो ये डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने अगर रिमूव करना है, इधर आना है और डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, ये ऐसे हमारा कमेंट वगैरह लग जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग ट्रैक चेंजेस, ये क्या होता है आपका, ओके, ये आपका ये काम करता है कि आप यहाँ से इसे अगर सेलेक्ट करते हैं और इधर मैं इसको कमेंट लगाता हूँ, तो आपका ये आपका जो ट्रैक चेंज है, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, शो मार्कअप कमेंट्स, ठीक है, और मैं इसको ये नहीं चाहता ये शो ना हो, इंसर्ट डिलीशन या कमेंट में कमेंट ना शो हो, ठीक है, आमतौर पे ये बताता है, हालांकि कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसे एक्टिव करेंगे कि भाई इस फाइल के अंदर कमेंट लगे हैं कि नहीं लगे, तो यहाँ से आप इधर यहाँ के शो शो में जाके कमेंट्स चेक कर सकते हैं कि कमेंट लगा हुआ है वट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगाया और इसको मैं शो में नो कमेंट्स कर देता हूँ, नो साइ फॉर्मेटिंग, अगर मैंने इधर फॉर्मेटिंग कोई की है तो वो फॉर्मेटिंग को शो नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसे शो करूँगा, शो में जाके ऑल मार्कअप, डेफिनेटली सिंपल मार्कअप, शो कमेंट्स, ये चीज़ें हमारी ट्रैक चेंजेस हमारा ये वर्क करते हैं, ठीक है। लॉक ट्रैकिंग भी हम इसे लगा सकते हैं, पासवर्ड कि हमने जो इसमें कर दिया हुआ है, ये देखें इसके अंदर वो चेंजिंग्स नहीं कर सकता, ठीक है, जो हमने इस पे अंदर कमेंट लगा दिए इसको हम लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया और दैट्स इट। और इसके बाद है कंपेयर, आपकी ये जो फाइल है टू वर्जन्स की, ठीक है, जैसा कि पुराना वर्जन है आपकी, क्या नाम लेते हैं, मल्टीपल ऑथर्स के नाम से, आप अगर ये रिवाइज कर रहे हैं, ये आप इसे समझ लें कि आपने 2003 वर्जन में आपने काम किया है, इसके साथ कंपेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, पुराने वर्जन में जो काम करते हैं ना लोग, वो आपके 2016 में भी आपका जो है ना, वो यहाँ से हमारी सेटिंग में सेट हो जाता है, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये करके दिखाता। इसके बाद है जी रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मैं से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब यहाँ पे ना तो वो, वेट अ मिनट, ये मेरा एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, ओके वेट अ मिनट, ये बेसिकली मेरा जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे क्या हो सकता है, जो होता है आपकी फॉर्मेटिंग, जो आपने फॉर्मेट लगाया वो नहीं चेंज हो सकता, वो सिर्फ देख सकता है, ठीक है। एडिटिंग में रिस्ट्रिक्शन में ये होता है कि आप ना तो एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि एक आपने कोई बुक लिखी है, आपने जो लिख दिया वही है, उसके बाद इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। इंक इंक वगैरह, ये हमारा ये एक टूल है, हाइड इंक,
ये इसमें हम ये काम करते हैं कि इसमें हमारा जो है ये हमारा ये हाइट है इस टाइम, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये फ्रीली एक पेन की सूरत में ओपन होती है, एक फॉर्मेट ओपन होती है। जैसे मर्जी आप उसे हाईलाइट करें, उसे माउस से ड्रॉ करें, उसे जैसे मर्जी, ये ड्राइंग ड्राइंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस वक्त ये एक्टिवेट ना होने की वजह से ये हाइड है, ठीक है। ये दो चीज़ें ये आपको हमेशा याद रखनी है, आपने जब भी इसको इंस्टॉल करना है 2016 आपने प्रॉपर उसे एक्टिवेट करना है, नहीं तो आपने उसे ख़रीद लेना है, ठीक है। सो आप उसकी साइट से जाके एमएस ऑफिस ऑफिस की साइट पे जाके आप इसे 2016 वर्जन को आप उसे ख़रीद सकते हैं। इसके बाद अगर नहीं तो आप किसी शॉप से ख़रीद लें, ठीक है। आपके करीबी जो सुपर मार्केट है वहाँ पर कंप्यूटर शॉप में ये चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें लें कंप्यूटर की शॉप से। इसके बाद ये है जी व्यू। व्यू में इस टाइम ये प्रिंट लेआउट मोड में, अगर मैं ये रीड मोड में करूँगा तो ये देखें ये रीड मोड हो गया। इधर से मैं नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, वो ऊपर फंक्शन कोई नहीं आ रहे, सिर्फ मैं इसे रीड कर सकता हूँ प्रूफ रीडिंग के लिए। और नीचे भी बटन बने हुए हैं रीड मोड, ये प्रिंट लेआउट, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी बटन बने हैं, वेब लेआउट भी बना है, और ये वेब लेआउट यहाँ पे भी है, प्रिंट लेआउट ये यहाँ पे भी है, ये वेब लेआउट है और ये प्रिंट लेआउट है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और ये देखें ये वेब लेआउट हो गया, ये प्रिंट लेआउट है, और ये दूसरा रीड मोड में। इसके बाद है जी आउटलाइन मोड है, ये आउटलाइन मोड बन गया, ये आगे व्यू देखने के इसके यहाँ पे बटन है, जो बटन यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं, ये वर्टिकल स्लाइड टू साइड, ठीक है। ये अभी ये साइड टू साइड दो पेजेस नहीं बने इसके अंदर, ये देखें ग्रिड लाइंस, ये देखें आपके सारे पेज पे ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। नेविगेशन पैन ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जितनी हेडिंग्स लगी हैं वो हेडिंग बताता जाएगा, कितने पेजेस हैं वो देखें पेजेस आ जाएंगे, रिजल्ट्स बता देगा, ठीक है। ये रूलर ख़त्म करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, ये जूम का बटन यहाँ पे भी है, जूम का बटन यहाँ पे भी है, ठीक है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने कितने परसेंट इसको जूम करना है, वो देखें इतने परसेंट हो जाएगा। वन पेज मल्टी पेज, पेज विड्थ हाइट, न्यू विंडो अरेंज ऑल, न्यू विंडो, ये एक नई विंडो ओपन हो गया जी, ये देखें नीचे से, ये देखें एक तरह की दो ये विंडो बन गई हैं, ठीक है। आप इसे स्प्लिट करें, स्प्लिट का मतलब होता है कि नीचे वाली हाफ 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 हो जाए, मतलब कि आधी आधी हो जाए, नीचे से आप करते जाएं लिखते जाएं, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे लिखते गए वो नीचे भी स्प्लिट हो जाएगी। इसके बाद है जी आपका व्यू साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इधर आप आते हैं, इसको करें इसको जैसे मर्जी इसको वर्किंग, आपको ये देखें, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें इन्होंने दिए हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसके व्यू में ये सारे स्विचेज दे रही हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ है इनकी, इनके और मोड सेटिंग्स हैं, आप इसको आप लॉक लगा सकते हैं यहाँ से, ये देखें प्रोटेक्ट इंक्रिप्ट विद पासवर्ड 1 2 3 4 5, री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर। अब मैं इसे सेव करूँगा तो अब ये जब भी मैं इसे ऑन करूँगा तो ये सेव, सो इसे मैं अब क्लोज करूँगा, आई वॉन्ट टू सेव इन माई डेस्कटॉप एंड द फाइल नेम इज़ न्यू फाइल, ठीक है, न्यू DOS, और सेव कर देता हूँ। और अब मैं इसे क्लोज़ करने लगा हूँ, और अब मैं डेस्कटॉप में जाके इसे न्यू फाइल का नेम है न्यू, और मैं फाइल को न्यू को ओपन करूँगा और ये पासवर्ड मांगेगा। ओके, ये देखें ये फाइल आ गई है न्यू, और मैं इसे राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ, ये राइट क्लिक कर लें या डबल क्लिक कर लें बात एक ही है। ओके जी, ये देखें ये उसने पासवर्ड मांग लिया, जो मैंने पासवर्ड लगाया था अभी 1 2 3 4 5। सो ये मेरी फाइल जो है ओपन हो गई है, आप इसे आप डेस्कटॉप में रखें, ये अब आपकी फाइल सेव है। अब ये देखें ये लॉक मैंने कहाँ से लगाया था, फाइल में जाके भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन में एक्सपोर्ट, ये ऑप्शन है,
वेट अ मिनट, आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी जोन होगी, ये इन्फो है, इन्फो से भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके। और ये मैं इसे अभी इनक्रिप्ट पासवर्ड को रिमूव कर रहा हूँ, तो रिमूव करने का तरीका कर ये है, वो रिमूव हो गया। मतलब आप यहाँ पे जाके इन्फो में जाएंगे, ठीक है। ये 2016 थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, इसमें फंक्शन बाकियों की नस्बत ज़्यादा है। तो बाकियों में आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे दूसरे 2007 में, आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस तरह का लॉक और की बनी होगी, तो आपने इंक्रिप्ट विद पासवर्ड करना है और पासवर्ड यहाँ पे लगा देना है। तो लगाने का तरीका ये है कि इसे इंक्रिप्ट विद पासवर्ड दो दफ़ा लगाया, ओके कर दिया, और यहाँ से हटाना है तो आपने यहाँ से इसे पासवर्ड को रिमूव कर देना है और ओके कर देना है। बस ये था ये हमारा वर्ड का, उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ लगी होंगी, और जो चीज़ आपके रह गई हैं, जो प्रैक्टिस में जो टेम्पलेट्स आपको बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो के बाद, वो इसमें आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching and please subscribe to our channel. Thank you.